हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, पिछली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया मुझे आप लोगों ने, और एक आध भाई ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि मुझे मम्मी साइड पे चाहिए वीडियो जिसने हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ाओ, तो उस भाई की डिमांड पूरी करने के लिए ये वीडियो लगाने लगा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो भी ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा आर्ट बोर्ड है। तो जैसे पुरानी आपको टेक्निक बताई है कि चार स्टेप में थंबनेल डन, तो इस बार भी वही। फर्स्ट स्टेप है हमारा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लाता हूँ मैं। ये मैंने आपको पैक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। ड्राइव का लिंक होगा, गूगल ड्राइव का। तो ये कंट्रोल टी, फिर शॉर्टकट कीज जो सी भी होंगी मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बता दूंगा, साथ साथ बोलता भी रहूँगा। तो इससे मैं बैकग्राउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जैसा आपका अच्छा लगे बैकग्राउंड वैसा एडजस्ट करें। तो अब इसमें डालेंगे हम ह्यू एंड सेचुरेशन। तो ये देखें, ये ह्यू, यहाँ से हमने ह्यू एंड सेचुरेशन सेलेक्ट करना है, और सेचुरेशन को फुल हमने कर देना है -100, और लाइटनेस को मैंने किया है -25। तो अब हमें चाहिए एक ग्रेडियंट मैप, तो ग्रेडियंट मैप के लिए दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे सबसे सेकंड लास्ट ग्रेडियंट मैप। तो अगर आपका इश्यू हो के ये देखें ये इश्यू हो, तो आप इसे रिवर्स को अनचेक कर दें तो आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जो काम हमने करना है, जो भी काम करना है, सिर्फ वाइट पे करना है क्योंकि ये सेकेंडरी कलर है, तो इस पर आपका कलर फैलेगा नहीं। सो हम इस पर क्लिक करते हैं एक बार। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया। सो मैं यूज़ करूँगा ग्रीन में कुछ, थोड़ा सा लाइट सा, क्योंकि पाकिस्तान का फ्लैग है तो उस हिसाब से मैं थीम रख रहा हूँ, पाकिस्तान के फ्लैग की थीम। तो ये देखें, नाइस, ओके नाइस। तो अब हम इस पे करेंगे लेवल्स, ताकि ये साइड थोड़ी सी डार्क हो जाए, बीच में से ब्राइट। सो दोबारा वहाँ पे गए, ये ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, नीचे लेवल्स, ये मिडिल वन को थोड़ा मैं जा रहा हूँ राइट लेके, और ऐसे एडजस्ट करें अपने हिसाब से, एडजस्ट करें आपको पता लग जाएगा, आप खुद ही प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो अब कंट्रोल न्यू, क्रिएट न्यू की है लेयर, ये देखें यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करना है न्यू लेयर। सो मैं एक लेयर ले आता हूँ, तो अब मैंने बी प्रेस किया है तो ब्रश आ गया। आल्ट को होल्ड करके रखना है, और अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो छोटा बड़ा होगा, ये देखें छोटा बड़ा ब्रश हो रहा है। और आल्ट, अगर आल्ट होल्ड करके रखें और ब्रश को ऊपर नीचे करेंगे, देखें तो ऊपर किया हार्डनेस कम होगी, नीचे करेंगे हार्डनेस ज़्यादा होगी। सो ये एक टेक्निक है टाइम बचाने के लिए, आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये देखें, यहाँ भी ऑप्शंस हैं, जहाँ आप राइट क्लिक करें ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ। सो आप ब्लैक कलर लेंगे हम, और फ्लो को कम कर देंगे कुछ, ये आई थिंक 50 के राउंड बॉल। ये देखें साइज को हमने ब्लैक कर देना, पूरा ब्लैक, इसे और फ्लो को थोड़ा कम किया हमने, ये देखिए। सो ये देखें अब कितना प्यारा बैकग्राउंड हो गया हमारा। अब इस पे डालेंगे हम एक, मैं चाहता हूँ कि पीछे ना एक स्ट्रोक से टेक्स आए, स्ट्रोक मतलब टेक्स का स्ट्रोक हो, वो अच्छा लगेगा। सो उसे डालने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट अपना, बिलाल बिलाल जी एफ एक्स, वेट वेट, बिलाल जी एफ एक्स। सो ये डाल लिया। इस पे अब मैं फ़ॉन्ट दूंगा SVN, जी जो भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा इंशाल्लाह आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। तो SVN हैव हर रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो ये देखें जैसा कि इसलिए ये आ गया, इसे लार्ज करेंगे थोड़ा, इसका कलर मैं ज़रा वाइट सिलेक्ट कर लूँ पहले ताकि नज़र आ जाए। ये देखें थोड़ा और बड़ा करेंगे,
ये देखा, अगर आपका इशू आए कि वो सब जो से जितने करेक्टर थे वो एक में मर्ज हो जाए एक, तो इस पर क्लिक करें दो बार टी पे, यहाँ से ना आगे ले जाए तो आपकी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सो ये यहाँ पे लगाएंगे, इसे थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। सो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अब इस पे देंगे हम एक फिल को, इसको पहले कर देना ज़ीरो, फिल इसका ज़ीरो। सो अब ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, इसे देंगे स्ट्रोक, ये देखें ये स्ट्रोक दिया है। यहाँ से स्ट्रोक को आउटसाइड होगा, आपने पोजीशन इनसाइड कर लेनी है, ठीक है, या आउटसाइड भी करके देख सकते हैं जो पसंद हो आपको। तो इसका मैं साइज़ कुछ 2-3 राउंड अबाउट, एंड कलर हम लेंगे, पिक करेंगे कुछ ग्रीनिश कलर हो, ये देखिए। अब इसका ब्लेंड मोड हम देखते हैं, कोई अच्छा सा ब्लेंड मोड हो, ये देखें सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट आप ब्लेंड मोड रख लें। तो ये कर लिया, ये आप इनर शेडो डालें। आप इनर शेडो को साइज 0, चौक 0, एंड डिस्टेंस आपने कुछ 6 के राउंड अबाउट, एंड लीनियर डोज ऐड कर देना इसका ब्लेंड मोड। ये सेटिंग देख लिया आप, तो ये देखें अब इसे एडजस्ट कर लें। सो आप इसके ऊपर डालेंगे हम अपना करेक्टर। सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड क्रिएट करना, सेकंड स्टेप है हमारा करेक्टर को वहाँ पे लाना और उसे एडजस्ट करना, उस पर जो सा हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन हो कि कौन से भी कैमरा रॉ फिल्टर सब कुछ वो एडजस्ट करना, उसको ग्लो देना, वो सब कुछ उसमें है सेकेंड स्टेप में। सो आप सेकेंड स्टेप में आते हैं, तो जैसा कि हमारा करेक्टर आ चुका है, तो ये देखें अब करेक्टर को थोड़ा सा हम लार्ज करेंगे, ये देखें ये देखें, अपने हिसाब से एडजस्ट करें जैसा आपको सूटेबल लगे। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमारा करेक्टर ज़रा डल डल लग रहा है, ये देखा जाए तो डल डल लग रहा है करेक्टर। आप इसे पहले कर देना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो अब इस पर क्लिक करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होगा, जहाँ ऊपर टॉप पे जो सा टूल बार होता है उसमें होगा ऑप्शन फिल्टर्स, उस पर जाके भी आप कैमरा रॉ फिल्टर पे जा सकते हैं। सो इसे अब अपने हिसाब से एडजस्ट करें, अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप सेटिंग कॉपी भी कर सकते हैं या पॉज करके वीडियो। सो मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये कर लूँ। सो ये देखें, सो मैंने अपना सारा एडजस्ट कर लिया है, तो अब हम इस पे ब्लेंड ऑप्शन डालेंगे। सो ब्लेंड ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इनर शेडो, इनर शेडो मस्ट है। इनर शेडो को हम ज़रा कर देंगे एंगल अपने हिसाब से एडजस्ट, नॉर्मल किया मैंने इसे, मैंने 6 के राउंड अबाउट कुछ एंगल 1-2, 1-2-3 या 1-4-1, या ये एंगल बेस्ट है, -157 एंगल है इसका, ये आप देख लें, ये पोज करके आप सारी सेटिंग देख लें। ये यूज़ ग्लोबल लाइट का मस्ट अन चेक करें, नहीं इससे आप अपनी मर्जी के नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने यहाँ पे इनर शेडो दिया है उस पर भी इनर शेडो अगर यूज़ ग्लोबल लाइट होगा चेक, तो वो उसका भी चेंज कर देगा, आपके इस मर्जी के हिसाब से नहीं चलेंगे। सो ग्लो के लिए एक लेयर बनाई मैंने न्यू, मम्मी सेट के नीचे लेयर रखी, ये देखें ब्रश पकड़ा। ये तरीका सबसे बेस्ट है ग्लो का। फ्लो को हम कुछ ले गए हैं 82 के राउंड अबाउट। सो अब इस पर क्लिक किया, कलर सेलेक्ट करेंगे ग्रीन, ये देखें छोटा, यहाँ पे क्लिक किया एक टैप, थोड़ा ब्रश बड़ा किया दूसरा टैप, अब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके इसे कर देंगे फ्लो को कुछ 26-25 के राउंड अबाउट। तो ये देखें ऐसे कुछ ऐसे। सो आप वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर को छोटा सा करके ऐसे इसके पीछे टैप टैप करते रहेंगे, ये देखें कितना प्यारा ग्लो आया। इसे आप लीनियर ऐड भी कर सकते हैं डोज, इसका ब्लेंड ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे। सो
मैं लीनियर डोज ऐड कर रहा हूँ। सो ये देखें, अब इस पे देते हैं हम शेडो अपने हिसाब से, कैसे शेडो चाहिए जो भी सीन है। ये देखें, पहले इनर शेडो दी मैंने, इनर शेडो। इसके बाद देते हैं इस पे दूसरी शेडो, जो सी ड्रॉप शेडो। इस पे ये देंगे हम इनर ग्लो, साइड ऑफ इनर ग्लो देंगे ग्रीन कलर में। ये देखें, ग्रीन कलर में दिया इनर। या सारी सेटिंग स्टॉप करके देख सकते हैं, ये यहाँ पे एज रखना है, यहाँ पे सेंटर नहीं रखना है, रेंज ये देखें, जो भी सीन है ये देख लें आप एक बार। ये करेक्टर हमारा हो गया डन, सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया पूरा। अब हमारा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है करेक्टर्स, सॉरी थर्ड स्टेप है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा बर्बैंक एज ऑलवेज, क्योंकि वो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है और सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट है। पहले हम एक ले आते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं बिलाल GFX। इसे नीचे ले आते हैं, ये साइज एज, ये देखें एज यू नो के साइज 819 है। इसे हम करेंगे छोटा। अब इस पे देंगे फॉन्ट, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ बर्बैंक बिग रेगुलर ब्लैक, ये बेस्ट फॉन्ट है। ये देखें, ये देखें, इसका साइज करूँगा मैं कैपिटल लेटर्स में इसे करूँगा। ये देखें कैपिटल लेटर्स, इसका साइज कुछ एडजस्ट करता हूँ मैं अपने हिसाब से। ये ठीक। तो अब ऐसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाए पहले अपना, उसके बाद हम इस पर ग्रेडियंट वगैरह देंगे। मैं जल्दी जल्दी अपना स्ट्रक्चर बना लूँ। तो गाइस मैंने ये देखें अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अब इसे मैं कंट्रोल जी ग्रुप बना दिया, कंट्रोल जी करके। ये देखें, अब इस पे देंगे हम अपने ग्रेडियंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पकड़ेंगे अपना मेन टेक्स्ट लार्ज जी एफ एक्स। इसे करेंगे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते साथ हम जाएंगे ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले में इसे देंगे हम ऑरेंज के तरफ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी ऑरेंज, वेट मैं अपने ये देखिए हमने ऑरेंज अपना पकड़ लिया, इसे मैं करूँगा रिफ्लेक्ट। ये देखिए, अब देंगे इनर शेडो, इनर शेडो दूसरी देंगे मतलब ऊपर को 101 के एंगल पे। इसका कलर वाइट भी रख सकते हैं लेकिन येलो बेस्ट रहेगा इसमें। ये देखें, येलो कलर रख लिया हमने। तो एक देंगे ड्रॉप शेडो, एक इसके ऊपर देंगे ड्रॉप शेडो जिससे एक ये स्ट्रोक आ जाए। तो नीचे वाले का साइज थोड़ा सा ज़्यादा करें और ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, ये दे सेटिंग आप साथ साथ देख लें, पॉज करके वीडियो को देखते रहें सेटिंग। ये देखें, ये हमारा मेन टेक्स्ट हो गया। अब इसको करेंगे कॉपी लेयर, कॉपी लेयर स्टाइल, दूसरे इस पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। अब इस पर करेंगे ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक, इस पर क्लिक करके हम लाएंगे इस पर कोई सिल्वर कलर में, ये देखें सिल्वर कलर, ये देखें प्यारा है। इसे करेंगे हम वाइट, ओके ओके। अब इसे करेंगे सिलेक्ट, हम करेंगे कॉपी लेयर स्टाइल और इस पर कर देंगे पेस्ट।
ये सबसे इजी है और सबसे फास्ट तरीका है। ये इसके ये नहीं कि आप बार बार बनाते नहीं। तो अब इसके पीछे डालेंगे हम एक लेयर, न्यू लेयर इन टेक्स्ट के पीछे, ताकि एक अच्छा सा वो पीछे से डार्क हो जाए। एक सेलेक्ट करेंगे कलर ब्लैक, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। ज़रूरी नहीं जो सा मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ आप भी वो करें, आप अपनी पसंद के हिसाब से चलें, जो आपको कलर पसंद है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कलर ना यूज़ करें कि जो ब्राइट हो, मतलब डार्क कलर यूज़ करें ताकि वो अच्छे भी लगें और एक उससे आगे जो सा है ना इल्यूजन पैदा हो, एक मतलब टेक्स्ट निखर के आए आगे। इसलिए ये पीछे यूज़ करते हैं। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट यू बन गया। यहाँ पे इसे करेंगे टेक्स्ट को क्लिक, यहाँ पे किया इसे थोड़ा सा रिसाइज, यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट किया। तो अब दो सीन है हमारे पास, यहाँ तो हम इसे जो सा मम्मी साइड को ऊपर ला के भी रख सकते हैं, ये देखें ये भी ज़्यादा प्यार है, या पीछे भी रख सकते हैं। तो मुझे ये बेस्ट लग रहा है, ये करते हैं। और एक और इसके ऊपर तरीका करते हैं तो उससे ना अच्छा लगेगा। ये जो सा हमने ये टेक्स्ट लिखा ब्लाजी एफ एस, इसे करेंगे ऑल्ट होल्ड करेंगे और इसे मम्मी साइड के ऊपर ला देंगे। इसे ऑल्ट होल्ड करके रखना और मम्मी साइड के ऊपर ला देना आपने। तो अब इस पर करेंगे, इसके इफेक्ट्स पे जाएंगे, ऐसे ही होगा हमारे पास, ये ना कॉपी हो जाएगा। ऑल्ट होल्ड करके रखना है जब तक उसने आपने उसे ड्रॉप नहीं करना, वहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप, तब तक ऑल्ट होल्ड रखते हैं। सो अब बाकी सब इफेक्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ बारी बारी। अब स्ट्रोक देना है, बस हमने स्ट्रोक देना है वाइट कलर में, इन साइड नहीं आउटसाइड देना है हमने। सॉफ्ट लाइट नॉर्मल करेंगे इसे, देखते हैं उस हिसाब से। फिर अब इसका कर देना फिल ज़ीरो, ये देखें फिल ज़ीरो किया, ये अच्छा आ रहा है लुक। सो अब इस पर करेंगे स्ट्रोक पे दोबारा, अब इसे देखते हैं ओवरले जहाँ कोई ये बेस्ट है। इसे कलर हम इसका करते हैं येलो, क्योंकि पीछे वाला येलो है वो फिर अच्छा नहीं लग रहा। ये देखें येलो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यस येलो इज़ लुकिंग गुड। सो ये देखें ये जो सा एक आ जाता है, इससे एक अच्छा इफेक्ट बनेगा आपका स्ट्रोक इफेक्ट। सो लाइव पे भी यही सेम सीन करेंगे, इसे वहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके रखना है और वहाँ पे उसके ऊपर जाके पेस्ट करना है, फिर ऑल्ट को छोड़ना है आपने। ये देखें यहाँ पे भी मैंने ये डाल दिया फिर। तो अब इस पे डालेंगे हमारा फोर्थ स्टेप, मतलब इफेक्ट पार्टिकल्स जो सब इस फोर्थ स्टेप में आएगा। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डालेंगे लीव्स, लीव्स को यहाँ पे लाएंगे, ड्रॉप करेंगे, लीव्स को ले जाएंगे पीछे, यहाँ पे लास्ट पे ले जाएंगे। लीव्स को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा साइज़ बड़ा करके देखते हैं जो जहाँ पे अच्छा सूट करे। ये देखें यहाँ पे बेस्ट है। अब लीव्स को देते हैं हम ब्लर, ब्लर के लिए आपने क्लिक करना है, ऊपर होगा ऑप्शन, मेरी आधी स्क्रीन वहाँ से कटी होगी शायद टूल बार, वहाँ पे ऑप्शन होगा फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, नीचे आए ऑप्शन ब्लर, ब्लर पे आके करेंगे हम अपना गॉशियन ब्लर। गॉशियन ब्लर को थोड़ा सा ये साइज़ ज़्यादा है, आपने कर देना कुछ 2.9, 2.6 के राउंड अबाउट। सो ये देखें ये आ गया। आप इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन देंगे, तो इनर ग्लो सेलेक्ट करके इसे पूरा ऐसे सेलेक्ट कर देना, मतलब ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है, साइज पूरा ऐसे। ये देखें ग्रीन कलर हो गया, इसे इनर शेडो ऐसे एक दे दें, सेटिंग आप साथ साथ देखते रहें। तो अब मैं इसे डन करता हूँ, इसे डन किया, यहाँ पे पीछे ला दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब इसके ऊपर एक मैं बुलेट्स दूंगा थोड़ी सी, जो मैं आपको ये सब कुछ आपको ना पैक के अंदर लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पे जाके आपने डाउनलोड करें उससे फिर यूज़ करें। सो इसको भी यही सेम सीन है,
इन पे ब्लर पहले होगा, इस पे आप ब्लर ना दीजिएगा। सो इसे इनर ग्लो, इनर ग्लो अच्छा नहीं लग रहा। ओके के सिर्फ आउटर दिया है स्ट्रोक हमने इनर शेडो। सो अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब हमारी मेन चीज़ ये पबजी का लोगो, तो ऑब्वियसली हम पबजी के लोगो में पबजी का क्यों ना लगाएं थंबनेल में लोगो। सो ये देखें मैं लोगो को टॉप पे ला रहा हूँ। टॉप पे ला कैसे करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस और इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे रख दिए और इसे दिया ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ड्रॉप शेडो देंगे, शेडो को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो अब हमारा इफेक्ट डालेंगे कुछ अपने हिसाब से, साइड पे देखेंगे जो सेट लगे, कोई प्रीसेट यूज़ करना हो वो प्रीसेट डालते हैं। सो अब मैं बी दबाया, बी प्रेस किया, ब्रश आ गया। तो बी एक्स दबा के आप ये कलर स्वैप कर सकते हैं। एक्स दबाया तो ब्लैक आ गया, एक्स किया ये देखें ऐसे कलर स्वैप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा इफेक्ट लग रहा है तो मैंने ये यूज़ किया। ये देखें कितना प्यारा लग। सो अब इस पर हम देखते हैं प्रीसेट, मतलब कंट्रोल जी किया इसे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जी से ग्रुप, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये लोडिंग कर रहा है, ये देखें हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, इससे आएगा हमारा कैमरा रॉ फिल्टर। सो इस पे गए, इस पे जाके क्लिक किया, इस पे ये प्रीसेट्स, यहाँ पे अगर कोई अच्छा लगा प्रीसेट वो मैं लगाता हूँ, फिर वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने में। सो ये देखें ये प्यारा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये क्लिक किया मैंने प्रीसेट, इसके नीचे ये ऑप्शन होगा स्मार्ट फिल्टर, स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक किया, बी का बटन प्रेस किया और इससे फ्लो 28 टेक्स्ट पे फेर देना है आपने, क्योंकि हमें सिर्फ बैक पे चाहिए टेक्स्ट। यहाँ पे अगर अच्छा लगता तो ठीक था, नहीं तो ऑरेंज वाले पे आप मतलब ऐसे कर दें, ब्रश को फेर दें, वो उसका कलर अपने वापस आ जाएंगे। ये देखें थोड़ा सा इस पर भी ऐसे ऐसे मतलब करें, क्योंकि इसकी शार्पनिंग ज़्यादा हो गई है जो अच्छी नहीं लग रही। ये देखें, सो ये देखें आज के वीडियो में आपने सीखा है कि कैसे एक थंबनेल बनाए क्विकली। भाई की डिमांड थी कि इस पे बनाए आप पाकिस्तान के फ्लैग पकड़ाओ मम्मी साहब ने, तो उस भाई की डिमांड भी पूरी हो गई। आपको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई लहदा एक न्यू वे से बनाएंगे, थंबनेल न्यू होगा सारा तरीके। तो उस वीडियो का भी जल्द मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।